जहां बीजेपी ने देश की हालत खस्ता कर दी है, वहीं लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। देश में रोजगार तो कम हो ही रहा है, परंतु अब महंगाई भी लोगों के सर पर मंडरा रही है। बीजेपी सरकार ने देश का बुरा हाल कर दिया और अब अपने ही क्षेत्र में महंगाई भी बढ़ा रही है। यही नहीं, बीजेपी सरकार वो सेवाएं भी बंद कर रही है जो पहले फ्री थी। बीजेपी शासित त्रिपुरा में स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो गई हैं। राज्य की भाजपा IPFT सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की तरफ से मिलने वाली सेवाओं का शुल्क बढ़ा दिया है। इसमें ICU, केबिन चार्ज, ऑक्सीजन सिलेंडर, डायग्नोसिस और आहार शुल्क शामिल है। आपको बता दें कि इनमें से अधिकतर सेवाएं पहले फ्री थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार गरीबी रेखा से ऊपर प्राथमिकता समूह वाले लोगों को अब OPD रजिस्ट्रेशन के लिए 10 रुपए की जगह 20 रुपए देना होगा। इतना ही नहीं, अस्पताल में बेड शुल्क के दोनों वर्गों को क्रमशः 30 रुपए और 20 रुपए देना होगा। अधिसूचना के अनुसार अत्योदय अन्य योजना के लाभार्थियों और PG समूह के ICU बेड के लिए 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से देने होंगे। वहीं गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए ICU बेड का शुल्क 600 रुपए प्रतिदिन होगा। सरकारी अस्पताल में AC केबिन का शुल्क 700 रुपए प्रतिदिन होगा। सरकारी अस्पतालों में सभी दवाइयां रोगियों को फ्री मिलेगी। हालांकि यह सिर्फ इस पर निर्भर करेगा कि अस्पताल में वह दवा उपलब्ध है या नहीं। अस्पताल में अब तक मिलने वाले मुफ्त खाने के लिए अब गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए प्रतिदिन 50 रुपए देना होगा। इसी तर्ज पर अस्पताल में डायग्नोस्टिक टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोपैथोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस और अन्य मेडिकल जांच की दरों में भी केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत ही ली जाएगी। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। विपक्ष के नेता मानिक सरकार ने राज्य सरकार से इन बढ़ी हुई दरों को जन विरोधी बताते हुए वापस लेने को कहा है। वहीं कांग्रेस ने भी स्वास्थ्य सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी को पूरी तरह से अमानवीय बताया है। कांग्रेस के राज्य उपाध्यक्ष तपन डे ने कहा कि पार्टी सरकार के इस फैसले के खिलाफ राज्य के सभी 8 जिलों में आंदोलन करेगी। जहां लोग अपनी रोजी रोटी को लेकर परेशान हैं, अब वही मोदी सरकार सेवाओं को महंगा करके और भी परेशानी में डाल रही है। बीजेपी सरकार अब हर वादे में पिछड़ती नजर आ रही है। यही नहीं, लोगों को राहत देने की बजाय मुसीबत और मुफ्त सेवाओं को खत्म करके बीजेपी देश के साथ बड़ा धोखा कर रही है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।